गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज क्लास टू वाले के लिए मैथ लेकर के हम आ रहे हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में सारे बच्चे घर पे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको भी प्रयास करना चाहिए कि हर बात में छोड़ देना नहीं करना। एक कहावत है ना, आप लोग सुने होइएगा कि हिम्मत हार जाना और हिम्मत से हारना, दोनों में बहुत फर्क है। तो हारने से अच्छा है कि लड़ के हारेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक प्रयास हम लोग का है और आप भी प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ में सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं नर्सरी से लेकर के अभी वन तक। तो अभी तक आपने पढ़ा काउंटिंग, बैक काउंटिंग टेबल, नीचे क्लास से ही काउंटिंग में 1 to 100 पढ़े हैं, बैक काउंटिंग 100 to 1, टेबल 2 to 20। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ आप जान रहे हैं, आपको अपने कॉपी में लिखना है, पढ़ना है, और अपने घर में जो भी हैं बड़े उनको सुनाना भी है। क्लियर, समझ सकते हैं आप इस बात को कि लिखना भी है, पढ़ना भी है और सुनाना भी है, कि आप क्या कर रहे हैं इस बात का जानकारी घर वाले को भी होना चाहिए। और इस वीडियो को अगर जो भी गार्जियन देखेंगे उनके लिए भी एक अपील है कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। दिन भर बैठ करके फेसबुक, व्हाट्सअप चलाना, यूट्यूब देखने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों के लिए एक घंटा का समय निकालिए, उन्हें हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो भी दिखाइए। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं कि काउंटिंग, बैक काउंटिंग टेबल लिखना है, सुनाना है अपने घर में जो भी बड़े पढ़े लिखे हैं उनको। इसके बाद आगे हम चलते हैं कि अभी क्या पढ़ना है, तत्काल आपको सब्जेक्ट क्या कह रहा है। तो जैसा कि बुक में आप देख पाइएगा, क्लियर दिख रहा है, इसमें देखिए आप लिखा हुआ है नंबर्स रिवीजन, आई नो माय नंबर्स, आपको संख्या के बारे में जानना है, जैसा कि अभी काउंटिंग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है और इसको पढ़ना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिवर्स देखिए 11 12 करके, तो ये आपको जानना है कि ये क्या है। तो आप सब पहले से ही पढ़े हैं कि 1 to 100, और लिखे भी है और पढ़ना भी जाने हैं। अब हमको जानना है कि संख्या में देख रहे हैं कि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है, इसके बाद डबल हो जाता है, 10 है, 20 है, 19 है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज कि वंस क्या है और टेंस क्या है। तो लिखते हैं यहाँ हम सबसे पहले O N E S T E N S, टेंस। अब सवाल उठता है कि वंस क्या है और टेंस क्या है। तो जैसा कि कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ को नहीं पता है, वंस मीन्स इकाई, इकाई मीन्स सिंगल डिजिट, एक अंक इकाई कहलाता है। टेंस दहाई, दहाई दो अंक, जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए इकाई में हो जाएगा क्या क्या, 1 2 3 ऐसे करके जो सिंगल डिजिट है, और दहाई में जैसे 10 11 12 इस तरीके से दहाई। अब है कि इसके बारे में और भी तरीका ढूंढते हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तत्काल आप इतना समझिए कि इंग्लिश में वंस टेंस को हम हिंदी में जानते हैं, वंस मींस इकाई और टेंस मींस दहाई। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ काउंट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके। तो इकाई दहाई के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हंड्रेड्स थाउजेंड्स इसके बारे में। तो शुरू करते हैं, किताब से ही चलते हैं। किताब में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, क्या आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फील द करेक्ट नंबर इन इच, फील द करेक्ट नंबर, खाली जो जगह है, ये जो गोला आपके सामने दिख रहा है, इसमें सही अंक को भरना है क्या होगा। अब यहाँ टेंस है और यहाँ वंस है, और इसमें क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है कि लिखना क्या चाहिए। अब आप देखिए इसमें देखिए क्या कि यहाँ लिखा हुआ है वंस, मतलब इकाई, इकाई के सामने इस एक रड लगा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिए एक लकड़ी का डंडा मान लीजिए, एक तार मान लीजिए जिसमें बल्ब, 3 ठो बॉल लगा हुआ है खेलने वाला,
एक दो तीन, इधर दो लगा हुआ। तो इकाई के स्थान पे ये तीन बल्ब है, मतलब कि वन टू थ्री, वंस के स्थान पे क्या है थ्री है, और टेंस के स्थान पे क्या होगा तो वन टू। जैसे अब देखिए बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है और एक लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, बीच में एक जगह ऐसे बनाया गया है और नीचे लिखा हुआ है टेंस और यहाँ लिखा हुआ है वंस। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि वंस मीन्स इकाई, टेंस मीन्स दहाई, और इसमें बल्ब तीन ठो लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके, इसमें भी दो लगा हुआ है। तो टेंस के स्थान पे क्या है दो, एक दो, और इधर है वंस, वन टू थ्री। तो वन टू थ्री मतलब तीन बल्ब है इधर वंस में, और टू में जो है इधर टेंस में टू बल्ब है, तो यहां लिखेंगे टू, यानी हो गया ये 23। जैसा कि आपको यहां हम समझाया कि दहाई हमेशा दो अंकों के साथ होता है, तो ये हो गया हमारा 23, जो ये इकाई और दहाई मिलकर के हमारा बना है 23। इसमें इकाई का अंक क्या है थ्री है और दहाई का अंक क्या है टू है। कैसे? तो जैसा कि आप जानते हैं टू और थ्री को अलग अलग लिखते हैं, तो ये एक सिंगल अंक है, सिंगल डिजिट है, टू थ्री हो गया। लेकिन यही जब हम 23 लिखते हैं तो 23 कब होगा, टू जीरो प्लस थ्री 23। क्यों? क्योंकि ये जो 20 है ये दहाई के अंक में है, मतलब टेंस है, और ये थ्री जो है इकाई है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अभी और भी तरीका हम आपको बता प्रयास कर रहे हैं बताने का, तत्काल आप ये दो तीन तरीका आप देखे हैं कि इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अभी तो बच्चों जैसा कि हम बता रहे थे कि और भी तरीका है इकाई और दहाई को समझने के लिए। आप जैसे अभी हम ये फिगर जो देख रहे हैं आप यहाँ बना हुआ है, इसको हम लोग एबकस भी कहते हैं। और जैसा हमने बताया कि मान लीजिए कि एक तार है, इसमें दो बल्ब लगा हुआ है, इस ग्राफ को एबकस कहते हैं। अब जैसा आप इसको समझ गए हैं इकाई और दहाई, लेकिन एक और हम साधारण तरीका चाहते हैं बताना और आपको साफ साफ समझ में आए। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 22 या 3 लिख सकते हैं इसको 23। ये नंबर्स नेम है जिसको हम लोग स्पेलिंग के साथ लिखते हैं। अब इसको अंक में डिजिट में हम लोग लिखेंगे तब ये होगा 23 23 23 23। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसमें बताइए कि 23 में कौन इकाई का अंक है और कौन सा दहाई का अंक है, मतलब वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है, आपको बताना है। अब एक और उदाहरण लीजिए, जैसे यहां हम लिखते हैं टी ई एन एस टेंस, एक खाली स्थान है, यहां एक एड का प्लस का चिन्ह देते हैं वंस। तो अब आप बताइए कि 23 23 में टेंस के स्थान पे कौन आएगा, वंस के स्थान पे कौन आएगा, मतलब यहाँ यहाँ कौन सा डिजिट आएगा जो वंस कहलाएगा और यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा जो टेंस कहलाएगा। तो सबके मन में आपके मन में आंसर आ गया है और आपको लगता है और सही भी है, जो लग रहा है वो सही है। 22 यहाँ, 3 यहाँ, 23 होगा। ये हो गया टेंस। अगर इसको हम लिखें रफ करके तो ये हो गया 20 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 23, जैसा कि हम यहाँ आपको लिख के बताए थे। तो एक ये भी तरीका है समझने का, और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि बस आपको ये समझना है कि वंस क्या है और टेंस क्या है, इकाई और दहाई समझिए। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो कभी दिक्कत नहीं। हमेशा हम जब कोई भी अंक लिखना शुरू करते हैं मैथ में, कॉपी बनाते हैं, तो जो दाहिने तरफ से आपके सामने जो अंक दिख रहा है आपके राइट हैंड से, देखिए जैसे मेरा राइट हैंड है और ये पहला अंक 3, ये हमारा वंस कहलाएगा। दूसरे नंबर पे है क्योंकि ये दोनों मिलाकर 23 हो रहा है, तो ये हमारा टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, और समझाने के लिए ये तरीका बहुत बेहतर है। आप प्रयास करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, और जहाँ नहीं समझ में आए आप लाइक कमेंट्स करिए और पूछ सकते हैं।
हम लोग लाइव क्लास के जरिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे के मन में कुछ प्रश्न है तो उसको प्रश्न ही रहने दिया जाए, ऐसा नहीं। आप जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और अभिभावकों से भी यही अनुरोध है कि थोड़ा सा समय निकालिए बच्चों के लिए। लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है, टाइम का बहाना करना सही बात नहीं है। थैंक यू।